Hello everyone, I am Dr. Sunil Saini, trauma and electrosurgeon, expert in limb lengthening, limb reconstruction and pain management. आज के जो हमारे patient है Mrs. Manju, ये नजफगढ़ से हैं और पिछले 12 साल से इनको कमर पे दर्द है और लगभग 4 से 5 साल से इन्हें कमर का दर्द पैर में आने लग गया है ना, और वो बटक से चलते कूले से चलता हुआ पूरा नीचे पैर में टकने तक आ जाता है। इनको पैरों में झंझनाहट सुनपन रहती है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है। ये काफ़ी जगह दिखा चुके हैं, काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स पे जा चुके हैं, बड़े बड़े नामी के स्पाइन क्लिनिक्स वगैरह पे भी दिखा चुके हैं और उसके बाद भी इनको अभी आराम नहीं है। मैंने जब इनको एग्जामिन किया तो इनका SLRT लेवल 30 पे आता है और इनको कमर में भी टेंडरनेस इज देयर एट L4, L5, L5S1 पे भी है और साथ में इनको टेंडरनेस है ओवर द ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास में। तो मैंने इनका प्लान किया है कि आई विल गो फॉर beta 1, 2, 3 DSCB beta 1, 2, 3 on right side और साथ में ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर T4 हम लगाएंगे। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इनको कितना ज़्यादा SLRT है। अभी पहले हम उठा रहे हैं इनका, मैं उठाइए इस पैर को, इसको उठाइए, ये हो गया इनका लेफ्ट साइड का। अभी तक कोई दर्द नहीं है ना, ठीक है। इसमें जैसे अभी खिंचावाने लगे बताना है, आराम से उठा, डरना नहीं। ये कहते हैं कि जब ये पैर उठाते हैं तो इनको पैर कांपने लग जाता है पूरा का पूरा। तो ये स्टार्ट हो गया, सो ये अभी स्टार्ट हो गया। ये इनका SLRT है, SLRT ऑलमोस्ट 40 डिग्री के पास है, इससे ऊपर बढ़ा रहा हूँ। दर्द बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, चलो ठीक। अभी घुटना मोड़िए, अभी आराम मिल गया, ओके। सो कोई भी मोटर डेफिसिट या पावर डेफिसिट नहीं है, मैंने सारा चेक कर दोनों पंजों खींचे, कोई भी मोटर डेफिसिट और पावर डेफिसिट नहीं। टिपिकली केस ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क विद राइट साइड शियाटिका विद SLRT ओनली 30 to 40 डिग्री। सो मैं पहले पैर में लगा रहा हूँ, उसके बाद हम कमर पे जाएंगे, ठीक है। अभी एंकल साफ कर रहे हैं और ये जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल इंजेक्शन जैसे ही है, कोई हड्डी में नहीं जाता। DSCB beta 1, 2, 3 मैंने लगा दिया, अब इसके बाद 20 मिनट के बाद रिजल्ट्स देखेंगे। अभी इनको 25 मिनट हो चुके हैं और मैं इनसे SLRT करवाता हूँ। जैसे आपने उसमें देखा होगा कि SLRT इनका 30 to 40 के आसपास था। मैडम उठाइए पैर, पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है, उठाइए। जहाँ आपको लगे खिंचाव आने लगे तब जाओ, जाओ जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, जब आने लगे तब बताना। अब आ रहा है, अब आ रहा है, तो कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट 70 डिग्री के उस पर आसपास आने लग गया है। और जो आपने मैंने कहा था इंजेक्शन से पहले आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा था, उसमें थोड़ा कम होने लगा। एक बार आप बैठिए, बैठने का तरीका है वो, करवट लेके आना है आपको। हाँ, ऐसे करवट लीजिए, आराम से आओ। करवट लेने में भी आपको दर्द था पहले, अब कैसा लग रहा है? उठिए, थोड़ा कम है, ठीक है। आ जाइए, चलने में कितने कदम चलते दर्द स्टार्ट हो जाता था तो? पहले कदम से दर्द हमेशा बना रहता है। अभी चप्पल पहनिए और चल के देखिए। हाँ, ये पैर सुन रहेगा, वो दवाई फिर चली जाएगी थोड़े टाइम के बाद, गिरना नहीं है, बस सीधा होके चल के देखिए। सुन की वजह से धीरे चल पा रहे हो ना ऐसे? हाँ, सुन गद्दा सा लग रहा होगा। दर्द कैसा है? दर्द कम, दर्द कम हुआ है पहले से? वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा कि हाँ हो जाएगा इसका। ठीक, तो करते हैं चलो। क्योंकि भारीपन है पैर में पंजे में, इसलिए इनको थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन जब सुनपन है, लेकिन दर्द में, दर्द में आराम लग रहा है पहले से। दर्द में इनको आराम आने लग गया है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। अभी हमने पेन साइकिल को ब्रेक करेंगे, पेन मैनेजमेंट है ये, इसके आगे में इनको एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थोड़े समय के लिए हम मेडिसिन देंगे, तो ग्रेजुअली इनको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुके होंगे और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। और DSCB इंजेक्शन से आप शियाटिका पेन को, इंटरवर्टेबल डिस्क को, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस, टेनिस एल्बो, इन सब के अंदर इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं।
हमारे पेशेंट है मिसेज मंजू, ये नजफगढ़ से हमारे पास आए थे आज से 10 दिन पहले और काफी जगह जा चुके थे। इनको बहुत सिवियर पेन था कमर में और पूरा का पूरा राइट पैर में इनको रेडिएट करता था। इनकी SLRT आई थिंक 30-40 के आसपास थी, पुरानी अगर मैं वीडियोज में देखता हूँ तो 30-40 के आसपास थी और ये काफी एंशियस थे, काफी परेशान थे पेन के अंदर। और कई सारे सेंटर्स पे जा चुके थे जहाँ पे इन्होंने फीजियो भी कराई थी, इवन एपिडुरल इंजेक्शन भी ले चुके थे कमर के अंदर, है ना। तो अभी आपका कैसा वो लग रहा है? अभी मेरे को 50% तक आराम है। 10 दिन पहले मैं यहाँ इंजेक्शन लगवाने आई थी तब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन था और अब मेरे को 50% आराम है। अब मैं ठीक हूँ, पहले से बैठ पाते हो आराम से? आराम से बैठ पाती हूँ। मैं पहले 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। अभी आप नजफगढ़ से आओ, नजफगढ़ यहाँ से कम मुझे लग रहा है 100 किलोमीटर हो गए, 2.5 घंटे का सफर। 2.5 घंटे का सफर है वो, आराम से बैठ के आ गई मैं, पहले नहीं बैठ पाती थी बिल्कुल। 2.5 घंटे के सफर में भी आराम से बैठ के आ पाए और अभी इनको कोई खास तकलीफ नहीं। आज हम सेकेंड इंजेक्शन को लगा रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस को और रिग्रेस करेंगे। तो मैं इनकी SLRT देखता हूँ कितना है। ये देखो, आपको राइट पैर में जाता था ना, सीधा कर दीजिए। आप राइट को उठाइए जहाँ आपको लगे तकलीफ है, खिंचाव है वहाँ पे रुकना है। इतने ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास, 70-80 के आसपास इनका SLRT आ चुका है। अभी बैठ सकते हैं, 2.5 घंटे ये सफ़र करके आए हैं पर इनको 2.5 घंटे बस में ट्रेवल किया है, पर उसके बावजूद भी आराम से कंफर्टेबल हैं, उतना सीवियर पेन नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसके बाद इनको रेगुलर एक्सरसाइजेज, थोड़ी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ परहेज और मेडिसिन चलेंगे थोड़े टाइम के लिए। तो पेन मैनेजमेंट जो होता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो हमारे DSCB इंजेक्शन का मकसद होता है वो होता है पेन मैनेजमेंट। हमने एक्यूटली पेन को कंट्रोल किया और पेशेंट को फिजियोथेरेपी की तरफ, उसकी रिहेबिलिटेशन की तरफ, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ और थोड़ी सी मेडिसिन से, ताकि वो नॉर्मल प्रॉपरली 6-12 वीक्स के अंदर नॉर्मल उसमें आ जाए। सो आगे भी आपको हमारे चैनल पे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।